हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्मार्ट नौकरी चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नई गाइडलाइंस के बारे में जो निकल कर सामने आ रही है। महाराष्ट्र और मुंबई को पूरी तरह से लेवल 3 में डाल दिया गया है। आज से कुछ नई पाबंदियां लागू हो जाएंगी। लोकल के लिए भी एक बड़ा समाचार आ रहा है, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र में आज से नई पाबंदियाँ, जो लॉकडाउन की नई पाबंदियाँ, वो लागू हो जाएंगी। जानेंगे कहाँ कहाँ मिलेगी थोड़ी सख्ती और कहाँ कहाँ मिलेगी आपको थोड़ी बहुत छूट। जी हाँ, डेल्टा प्लस वायरस आने के बाद से कोरोना की जो तीसरी लहर की आशंका थी वो सामने आ चुकी है और 50 लाख लोग इस संक्रमित हो सकते हैं, ऐसा अंदेजा लगाया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा। साथ ही 5 लाख बच्चों को भी बताया जा रहा है कि इस भयंकर बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। इसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने एक बार फिर से, जहाँ अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही थी, वहाँ पर जो है लॉकडाउन की प्रक्रिया चालू कर दी है। यानी पूरे महाराष्ट्र में लेवल 3 की जो पाबंदियाँ हैं वो आज से लागू हो जाएंगी। बात करें लोकल ट्रेन की, तो लोकल ट्रेन में इंतज़ार अभी और करना होगा आपको, क्योंकि लोकल ट्रेन से जुड़ी बस एक ही अपडेट आ रही है कि महिलाओं को अनुमति मिल सकती है आने वाले कुछ दिनों के भीतर, लेकिन बाकी तमाम आम जनता में जो लोग आते हैं उन्हें अभी और इंतज़ार करना पड़ सकता है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो नई गाइडलाइन जारी की गई है उसके अनुसार कोई भी भीड़भाड़ इलाके में समारोह करने से पहले आपको उसकी इजाज़त लेनी होगी, और उसमें भी 50 और 20 इस प्रकार की कैटेगरी में आपको रखा गया है, यानी इससे ज़्यादा भीड़ आप इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, महाराष्ट्र में आज से कोरोना वायरस की जो गाइडलाइंस है उसके तहत एक बार फिर से लॉकडाउन की पाबंदियों में सख्ती की गई है। यानी कि लेवल 1 और लेवल 2 के जो ज़िले आ रहे थे उन्हें लेवल 3 में डाल दिया गया है, और ऐसे कुल 22 ज़िले हैं। मुंबई लेवल 2 में है, जहाँ पे उसकी पाबंदियाँ थी, लेकिन उसे भी आज, यानी मुंबई शहर को भी लेवल 3 में आज से डाल दिया गया। यानी आज भी मुंबई में आप दुकानें वगैरह सब कुछ अब धीरे धीरे बंद होनी शुरू हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को